हाय गाइस, अ नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजय पटेल फ्रॉम म्यूजिकल क्लासेस। आज इस वीडियो में आपको नरेशन के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे नरेशन क्या है, नरेशन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। नरेशन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा लेसन है, एक ऐसा पॉइंट है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। यदि आप नरेशन को बहुत अच्छी तरीका से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक जानिए नरेशन क्या है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन से पॉइंट याद रखना चाहिए, क्या क्या आता है। चलिए देखते हैं नरेशन। सबसे पहले आपको पता है नरेशन आपके सामने एक वर्ड नरेशन। इस नरेशन का जो हिंदी होता है यह होता है कथन। नरेशन का हिंदी होता है कथन। बोले कि नरेशन कहते किसे हैं? सबसे पहली बात, नरेशन किसे कहते हैं? बोले कि क्या नरेशन की डिफिनेशन जानेंगे तो क्या हमको परफेक्ट होगा? बोले कि नरेशन का डिफिनेशन जानने से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं बना सकते। फिर भी यदि आप नरेशन स्टार्ट कर दिए, नरेशन पढ़ रहे हैं, तो नरेशन का डिफिनेशन जानना जरूरी है। नरेशन क्या होता है? बोले कि नरेशन का हिंदी होता है कथन। और आप इस प्रकार का कथन दो प्रकार का होता है। कथन दो प्रकार, अर्थात देखिए इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का विचार अलग अलग होता है। हमारा विचार अलग और आपका विचार अलग। यदि हम नरेशन का डिफिनेशन देना चाहें या फिर आप देना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना विचार खुद से किसी से एक्सप्लेन करता है, यदि कोई व्यक्ति अपना विचार खुद किसी को एक्सप्लेन करता है, किसी को बतलाता है, तो वह विचार डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। वह विचार डायरेक्ट नरेशन। और यदि उसी विचार को अर्थात उसी बात को यदि कोई दूसरे व्यक्ति अपने शब्दों में बोलता है तो उस विचार को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। इस प्रकार हम कह सकते हैं इफ एनी स्टेटमेंट इज सेड टू बाय सेल्फ और अदर दैट इज कॉल्ड नरेशन। इफ एनी स्टेटमेंट इज सेड टू बाय सेल्फ और अदर दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट अर्थात नरेशन। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, डिफिनेशन लिखें, इफ एनी स्टेटमेंट इज सेड बाय सेल्फ और अदर दैट इज कॉल्ड नरेशन। दैट इज कॉल्ड नरेशन। करें कि इफ एनी स्टेटमेंट इज सेड बाय सेल्फ और अदर दैट इज कॉल्ड नरेशन। यदि कोई कथन खुद से या किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल बोले, यदि हम बोला चाहे मोबाइल हमारे लिए अच्छा भी है और खराब भी है, मोबाइल हमारे लिए अच्छा भी और खराब भी है, हम यह अपने शब्द में अपने विचार के अनुसार बोले, इसी विचार को इसी बात को आप दूसरे तरीका से बोल सकते हैं। कैसे? आप बोल सकते हैं मोबाइल का यूज यदि आप अच्छा करेंगे तो अच्छा है और खराब करेंगे तो खराब है। यह दोनों बात सेम है। यह दोनों बात कहने का मेन पर्पज यही है कि मोबाइल अच्छा है और खराब है। हम डायरेक्ट बोले मोबाइल अच्छा और खराब भी है, और आप दूसरे शब्दों में बोले कि मोबाइल का यूज यदि आप अच्छा तरीका से करेंगे तो अच्छा है और यदि खराब तरीका से करेंगे तो खराब है, अर्थात मोबाइल अच्छा और खराब दोनों है। तो कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपना विचार खुद से बोलता है तो उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं, और यदि कोई व्यक्ति अपना विचार अपने शब्द में बोलता है उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इस प्रकार नरेशन को दो भागों में बांटा गया, अर्थात नरेशन का दो काइंड हुआ। एक पहला डायरेक्ट नरेशन, पहला आपका डायरेक्ट नरेशन और दूसरा इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, इस प्रकार नरेशन दो प्रकार का हुआ, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन।
यह तो हुआ नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन कितना प्रकार। अब डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन का डिफिनेशन, इफ एनी स्टेटमेंट इज सेड by self, that is called direct narration. That is called direct narration. Correct. If any statement is said by self, that is called direct narration. यदि कोई कथन खुद से कहा जाता है तो उसे direct narration कहा जाता है। या हुआ डायरेक्ट नरेशन। अब देखते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। तो कह रहे कि इनडायरेक्ट नरेशन में करना क्या होता है, इफ एनी स्टेटमेंट इज सेड बाय अदर, बाय अदर दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन। इफ एनी स्टेटमेंट इज सेड बाय अदर दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट नरेशन, यदि कोई कथन किसी दूसरे के द्वारा कहा जाता है तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। यह हुआ नरेशन का डिफिनेशन। नरेशन कितना प्रकार का, डायरेक्ट नरेशन क्या, डायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन किसे कहते हैं। अब हम चलेंगे नरेशन पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, यदि आप नरेशन डीपली पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नरेशन का कोई भी क्वेश्चन है हमसे नहीं छूटे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम बना दें, तो सबसे पहला नंबर कि आप किसी सेंटेंस को देखकर कैसे कहेंगे कि यह नरेशन है या फिर नहीं है। आप किसी सेंटेंस को देखकर कैसे बोलेंगे नरेशन है या फिर नहीं है। जैसे हम एक सेंटेंस यहां लिखे, बोले कैन यू गो, क्या आप जा सकते हैं, तो आप इस सेंटेंस को देखकर बता सकते हैं कि यह एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। यह एक सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है। उसी प्रकार बोले गो देयर, वहां जाइए, इस सेंटेंस को आप देखकर बता दिए कि यह सेंटेंस इंपरेटिव है, क्या है, इंपरेटिव है। उसी प्रकार आप किसी सेंटेंस को देखकर कैसे बताएंगे, सबसे पहले कि वह सेंटेंस नरेशन है, और नरेशन है तो वह डायरेक्ट है या फिर इनडायरेक्ट, या कैसे पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं, हम जानते हैं नरेशन है या फिर नहीं, कोई सेंटेंस दिया है वह सेंटेंस नरेशन है या फिर नहीं कैसे जानते हैं? तो सबसे पहला तरीका करें कि यदि कोई सेंटेंस दिया है, यदि कोई सेंटेंस कहीं लिखा गया है वह सेंटेंस नरेशन है, इसका पहचान होता है उस सेंटेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, कमा इनवर्टेड कमा होगा, कमा इनवर्टेड कमा होगा, और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच होगा। रिपोर्टिंग वर्ब होगा, कमा इनवर्टेड कमा होगा, और रिपोर्टेड स्पीच होगा। यदि किसी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, कमा इनवर्टेड कमा और रिपोर्टेड स्पीच है, तो उस सेंटेंस को आप नरेशन बोल सकते हैं और वह नरेशन आपका डायरेक्ट होगा। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे कि वह रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, कमा इनवर्टेड कमा क्या होता है, और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। हम दो सेंटेंस है जो आपके सामने लिखे, बोले ही सेड कमा इनवर्टेड कमा आई एम योर फ्रेंड, और दूसरा सेंटेंस लिखे हैं ही सेड कमा इनवर्टेड कमा आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। हमारे एक बात आइए, इस दोनों सेंटेंस में अथवा दोनों सेंटेंस जो दिया गया इसमें क्या डिफरेंस है, क्या कुछ आपको अलग दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। तो कह रहे कि ही सेड आई एम योर फ्रेंड, दूसरा
ही सेड आई एम योर फ्रेंड, दोनों में कोई भेद नहीं है। लेकिन यदि आप जूम कर इस वीडियो को अच्छा से देखेंगे तो आपको एक डिफरेंस दिखाई देगा। अंत में ध्यान से देखिए, यहां कमा इनवर्टेड कमा पहले लगा है और फुल स्टॉप अंत में लगा है, यहां फुल स्टॉप पहले है और कमा इनवर्टेड कमा अंत में है। यह दोनों आप थोड़ा सा कमा दिखाई देता है, थोड़ा सा क्या अलग डिफरेंस है इसमें, कमा इनवर्टेड कमा पहले फुल स्टॉप अंत में और इसमें फुल स्टॉप पहले और कमा इनवर्टेड कमा अंत में। अब फिर क्या दोनों सेंटेंस सही है या फिर कोई एक सही है? ऐसे हो सकता है दोनों सही हो या फिर कोई एक सही हो। तो कह कि चाहे आप फुल स्टॉप पहले लिखिए या फिर बाद में लिखिए, कमा इनवर्टेड कमा पहले लिखिए या फिर उसके बाद लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेंटेंस सही। हम आपको बोले कि इस सेंटेंस को देखकर बताना है कि नरेशन है कि नहीं। यह सेंटेंस नरेशन में दिया गया है, तो कह रहे कि नरेशन में दिया है पहचान इसका कि कमा इनवर्टेड कमा के अंदर एक सेंटेंस है और दूसरा कमा इनवर्टेड कमा के बाहर एक सेंटेंस है। इसमें पहचानना है क्या, अभी ठीक पहले बताए, रिपोर्टिंग भार कमा इनवर्टेड कमा और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग भार क्या है, कमा इनवर्टेड कमा क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दो सेंटेंसेज है, एक ही सेड जो कि कमा से अलग किया गया है, दूसरा आई एम योर फ्रेंड इसको कमा इनवर्टेड कमा के अंदर रखा गया। तो कह रहे कि कमा इनवर्टेड कमा के बाहर वाले सेंटेंस में, कमा इनवर्टेड कमा के बाहर वाले सेंटेंस में, बाहर वाले सेंटेंस में जो वर्ब है उस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग। अब कमा इनवर्टेड कमा के अंदर, कमा इनवर्टेड कमा के अंदर वाले सेंटेंस जो है इस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और कमा इनवर्टेड कमा आपको दिखाई दे रहा है। पहला कमा इनवर्टेड कमा के बाहर, कमा इनवर्टेड कमा के बाहर वाले जो वर्ब है उस वर्ब को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और कमा इनवर्टेड कमा के अंदर वाला जो सेंटेंस दिया उस सेंटेंस को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आज हम आपको नरेशन का डिफिनेशन कितना प्रकार का होता है, क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, कमा इनवर्टेड कमा क्या होता है, किसी सेंटेंस को देखकर आप कैसे पहचानेंगे डायरेक्ट नरेशन अर्थात नरेशन है या फिर नहीं यह बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और देखते हैं नरेशन पढ़ने के लिए और क्या क्या मटेरियल चाहिए और क्या क्या हमको याद करना पड़ेगा ताकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना बिल्कुल आसान हो जाए। तो चले चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही।